So, आज की जो हमारी रेसिपी है ये एकदम सिंपल सी एक प्रेशर कुकर में बनने वाली रेसिपी है जिसमें डले हैं बहुत सारे खड़े मसाले और ड्राई फ्रूट्स एंड इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। आप इसे ऐसे ही एज इट इज खा सकते हैं या फिर आप इसे किसी करी के साथ सर्व कर सकते हैं। दोनों ही केसेस में ये बहुत ही डिलिशियस लगता है। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू मॉमीज किचन स्टोरी एंड आज मैं आप लोगों के साथ खड़ा मसाला पुलाव की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसे केरला साइड में घी राइस भी कहते हैं। तो चलिए फटाफट से इसे बनाना शुरू करते हैं। सो खड़ा मसाला पुलाव बनाने के लिए मैं यहाँ पे 3 कटोरी बासमती राइस ले रही हूँ। पुलाव बनाने के लिए मैं नॉर्मली बासमती राइस ही प्रेफर करती हूँ क्योंकि ये थोड़े लंबे होते हैं एंड हमारा जो पुलाव है वो इससे काफी अच्छा और खिला खिला बनता है। सो यहाँ पे मैंने 3 कटोरी राइस ले लिया है। अब हम इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। सो ये जो राइस की क्वांटिटी हमने ली है ये करीब 3 से 4 लोगों के लिए सफिशिएंट रहता है। आप इसे कम या ज्यादा अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। सो चावल को हमें 3 से 4 बार अच्छे से वॉश कर लेना है एंड उसके बाद हम इसे साइड में रख देंगे एंड बाकी की प्रिपरेशन करेंगे। सो चावल को तो हमने धो के रख दिया है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऑयल ले रही हूँ। इस ऑयल में हम थोड़ी सी प्याज फ्राई करेंगे। ये जो फ्राइड प्याज होती है इसे बरिस्ता भी कहा जाता है एंड इसे बिरयानी वगैरह में काफी यूज किया जाता है। सो बरिस्ता बनाने के लिए मैंने तेल को यहाँ पे अच्छे से गरम कर लिया है एंड अब हम इसमें डालेंगे 1 बारीक कटी हुई प्याज एंड प्याज को हमें अच्छा गोल्डन ब्राउन करना है, बट हमें इसे मीडियम आंच में पकाना है। बहुत तेज आंच में अगर आप प्याज को फ्राई करेंगे तो ये जल भी सकती है एंड अगर वो जला वाला फ्लेवर आ गया तो हमारा बरिस्ता जला लगने लगेगा एंड इसमें वो टेस्ट नहीं आएगा। सो हमें इसे ऐसे ही मीडियम आंच में पकने देना है एंड बीच बीच में इसे चलाते रहना है जिससे कि जो हमारी प्याज है वो इवनली कुक हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो प्याज है वो स्लाइटली गोल्डन होने लगी है। बस इसी तरह से हम इसे पकने देंगे एंड करीब 3 से 4 मिनट बाद हमारा जो बरिस्ता है वो बनके एकदम रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं। बस अब इसी स्टेज पे हम इसे बाहर निकाल लेंगे नहीं तो ये जल जाएगा। सो हमारी सारी प्रिपरेशंस हो चुकी है एंड अब हम पुलाव बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कुकर में डालेंगे घी। मैं यहाँ पे 2 से 3 टेबलस्पून घी ले रही हूँ क्योंकि मैं इसमें और कुछ भी ऐड नहीं करने वाली हूँ, ना बटर ना तेल। मैं इसे पूरा घी में बनाऊंगी क्योंकि इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बट अगर आपको घी का टेस्ट नहीं पसंद है तो आप इसे तेल में भी बना सकते हैं। घी के गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे गर्म मसाले। सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ तेज पत्ता, दालचीनी एंड चक्री फूल। उसके बाद हम इसमें डालेंगे करीब 8 से 10 काली मिर्च, 1 टीस्पून जीरा, करीब 2 से 3 छोटी इलायची एंड बड़ी इलायची एंड लास्ट में मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा छबीला। इससे पुलाव में बहुत अच्छी खुशबू आती है। इन सभी खड़े मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं एंड इन्हें थोड़ी देर फ्राई होने देते हैं जिससे कि जो हमारे सारे मसाले हैं उनका जो फ्लेवर है वो अच्छे से बाहर आ सके। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट एंड इसे भी हल्का सा पकने देंगे जिससे कि जो हमारी अदरक लहसुन की रॉनेस है वो चली जाए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 से 3 हरी मिर्च एंड हरी मिर्च को भी हम हल्का सा पका लेंगे एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे सारे मसाले अच्छे से भुन चुके हैं एंड अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज। सो मैं यहाँ पे 2 बारीक कटी हुई प्याज ले रही हूँ। अब इन सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड प्याज को हमें हल्का गोल्डन होने तक पका लेना है। बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे जिससे कि जो हमारी प्याज है और जो मसाले हैं वो एकदम से जलने ना लगे।
सो हमें इसमें 2 से 3 मिनट लगेंगे प्याज को अच्छे से फ्राई करने में। एंड ये पुलाव काफी जल्दी रेडी हो जाता है बहुत ही कम समय में। एंड क्योंकि हमने इसमें इतने सारे खड़े मसाले डाले हैं तो इसका जो फ्लेवर है वो काफी अच्छा आता है। एंड अगर किसी दिन आपको कुछ भी बनाने का मन नहीं कर रहा है तो आप सिंपल सा ये पुलाव बना सकते हैं एंड एंजॉय कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारी जो प्याज है वो काफी हद तक फ्राई हो चुकी है। एंड अब हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। सो मैं यहाँ पे थोड़ी सी किशमिश डाल रही हूँ एंड थोड़े से काजू। मुझे पर्सनली पुलाव में किशमिश बहुत पसंद आती है एंड इसीलिए ये वाला पुलाव मेरा फेवरेट है। तो सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे राइस। उसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक अकॉर्डिंग टू द टेस्ट एंड इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे पानी। एंड पानी हमेशा चावल का डबल लेना है, मतलब 1 कटोरी चावल तो 2 कटोरी पानी। अब हम इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं एंड उसके बाद हम इसे प्रेशर कुक करेंगे 1 सीटी के लिए। सो जब तक कि हमारा पुलाव रेडी हो रहा है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो यहाँ पे हमारे पुलाव का प्रेशर निकल चुका है एंड हमारा गर्मा गर्म पुलाव बनके एकदम रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। एंड अब हम इसके ऊपर डालेंगे हमारी फ्राइड अनियन। फ्राइड अनियन डालने से हमारे पुलाव का टेस्ट काफी एनहांस हो जाता है एंड इससे एक क्रंचीनेस भी आ जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। सो यहाँ पे हमारा खड़ा मसाला पुलाव बनके एकदम रेडी है। एक बार मैं इसे आपको दिखा देती हूँ ये कितना अच्छा और खिला खिला बना है। अब फटाफट से हम इसे एक सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं एंड उसके बाद हम इसे गार्निश करेंगे एंड गर्मा गर्म सर्व करेंगे। सो आप भी ये रेसिपी ट्राई करें एंड अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।